इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एंड डिस्क। अभी तक हमने, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, शुरू से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ था पॉइंट चार्ज से। पॉइंट चार्ज के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया रिंग पे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का निकाला एक्सिस पे। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क का निकाला, चार्ज डिस्क का एक्सिस पे। फिर हमने लाइन चार्ज का निकाला, कॉस थ्योरम। फिर हमने शेल का निकाला, फिर हमने सॉलिड स्फीयर का निकाला। ये सारे फिगर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल हमने पॉइंट चार्ज का निकाल लिया, अब हम पोटेंशियल निकालेंगे रिंग का, फिर हम निकालेंगे डिस्क का, फिर हम निकालेंगे शेल का, फिर हम निकालेंगे सॉलिड स्फीयर का, और फिर लाइन चार्ज का। फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो जो काम हमने ई में किया, अब सारा काम हम वी में करेंगे। ई में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, उसमें गॉस थ्योरम भी पढ़नी पड़ती है, उसके अंदर डेरिवेशंस भी हैं, वेक्टर भी है, कॉम्प्लेक्स है। वी में जितना भी काम हमने इतने एक महीने में किया, वी अभी के अभी आधे घंटे में इसको खत्म कर देगा, इतना छोटा है। ठीक, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस दूर वी क्या लगाता है हमें मालूम है, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर। और ई क्या लगाता है, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम रिंग की बात करते हैं, एक रिंग के ऊपर चार्ज क्यू है, चार्ज रिंग है, इसके एक्सिस पे मुझे वी निकालना है। ठीक, ई वी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे डी क्यू। वो डी क्यू इतने डिस्टेंस पे स्मॉल पोटेंशियल लगाएगा, फिर सारे एलिमेंट्स के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे। वेक्टर का चक्कर नहीं है, क्योंकि वेक्टर इसमें यूज ही नहीं होता, तो ऐड ही तो करना है। तो सिंपल एक एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से क्यू, आंसर आएगा। और अगर सेंटर ऑफ रिंग पे निकालना है, सेंटर ऑफ रिंग पे, तो एक्स को क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे, आंसर आएगा 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर। तो वी आ गया सेंटर पे चार्ज रिंग के, और ई क्या था सेंटर ऑफ रिंग पे, जीरो। वी जीरो नहीं होता, वी होता है क्यू बाय आर। और ये रहा आपका वी का फॉर्मूला, किस पे, वी का फॉर्मूला एक्सिस पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और ये इसका ग्राफ है, सेंटर पे वी मैक्स होता है, और लेफ्ट और राइट जाओगे तो वी की वैल्यू क्या हो रही है इसमें, चेंज। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, और मेथड टू भी शायद डिस्कस किया था मेरे को लगता है, क्या कि अगर आपको ये नहीं करना इंटीग्रेशन, तो आप इस रिंग के एक्सिस पे ई का फॉर्मूला लिख लें। तो ई इज माइनस डीवी बाय डीएक्स करें, ई की वैल्यू को यहां से यहां पुट करें और इंटीग्रेट करें, जो हम कर नहीं रहे, तो आपके पास वी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। पर करने की जरूरत नहीं, मैं एक तरीका बता रहा हूं, आपने सिर्फ फॉर्मूला करना है। फॉर्मूला रजिस्टर में लिख लिया, ये फॉर्मूला लिख लिया था आपने। इसके बाद वी अगर गिवन है और ई निकालना है, तो डिफरेंशिएट करें तो ई भी आ जाएगा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये भी एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। ठीक, अब है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क।